डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर से लेती है। देखिए, जब भी कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है तो कंपनी या तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFC से लोन ले सकती है। दूसरा तरीका लोन लेने का ये है कि यदि आम जनता से लोन लेना चाहे तो वो डिबेंचर जारी कर सकती है। तो डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स होती है। वो हमेशा डिबेंचर जब कंपनी जारी करती है तो उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन में दी हुई होती है। डिबेंचर के नाम से पहले भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई होती है। जैसे 10% डिबेंचर, इसका मतलब ये है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जैसे 15% डिबेंचर, इसका मतलब ये है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। अब हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के प्रकार को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चार अलग अलग आधारों पर। सबसे पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर डिबेंचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर एक तरह से बियरर चेक की तरह होता है। जिसके पास में ये डिबेंचर होते हैं वही उसका मालिक होता है, स्वामी होता है। मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में उसका दर्ज कुछ भी नहीं होता है, जिसके पास में वो डिबेंचर होता है वही उसका स्वामी कहलाता है। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के आधार पर डिबेंचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी जारी करती है, उस अवधि की समाप्ति पर उनका पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपने डिबेंचर जारी किए हैं तो 5 साल के बाद में कंपनी उनका वापस भुगतान कर देती है। जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं होता है, केवल कंपनी की समाप्ति पर ही इनका भुगतान होता है। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसमें दो कैटेगरी है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको कुछ समय के पश्चात शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इनका नाम रखा गया है कन्वर्टेबल डिबेंचर। जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। चौथा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जमानत के आधार पर। जमानत के आधार पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, दो तरह के डिबेंचर होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंपनी की कोई संपत्ति रखी हुई होती है, मीन्स इनका भुगतान सिक्योर होता है। यदि मान लो कंपनी इनका भुगतान नहीं करती है तो वो जो संपत्ति है उसको बेचकर इनका भुगतान कंपनी को करना पड़ता है। जबकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर सामान्य डिबेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई संपत्ति नहीं रखी जाती है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं कि डिबेंचर क्या होते हैं और डिबेंचर के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर को जारी करते समय अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या की जाती है। धन्यवाद।